कांग्रेस का संबंध नक्सलियों से किस तरह का है और कांग्रेस के व्यवहार में, कांग्रेस के नेताओं की कार्यशैली में, वहाँ स्थानीय जो विधायक है उसे कार्यशैली में, और आम जन तमाम लोग वहाँ जानते हैं कि वहाँ पे वहाँ विधायक का, वहाँ कांग्रेसियों का किस तरह से नक्सलियों से संबंध है, और नक्सलियों के संबंध रहने के कारण वहाँ के कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दल के लोगों को एवं साथ साथ जो विभागीय जो अधिकारी हैं उन तक को भी नक्सलियों के नाम से या सरकार के नाम से दबाव बनाया जाता है। मित्रों, कांग्रेस के राज्य विभाग के सदस्य और पूर्व में प्रदेश सचिव रहे अजय सिंह ठाकुर स्वयं मुख्यमंत्री को और पीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को बता चुके हैं कि बीजापुर का विधायक का और कुछ कांग्रेस नेताओं का किस तरह से नस्लियों से साठगांठ है और नस्लियों से मिलकर किस तरह से वहाँ पर दबाव बनाते हैं और लगातार जो अनैतिक गतिविधि है उस सब में शामिल होते हैं। और सरकार के दबाव कारण, विधायक के दबाव कारण स्थानीय पुलिस किसी भी तरह से कार्रवाई करने में हिचकती है। इस कारण हम देख रहे हैं कि कई मरतबे, कई बार ऐसा हुआ है कि तेलंगाना पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ के सक्रिय नस्लियों को वहाँ पे गिरफ्तार करने में सफलता पाती है और छत्तीसगढ़ पुलिस सिर्फ बाद में उनसे जाके पूछताछ करने तक की अपना फर्ज निभाती है। तो ये सबसे साबित होता है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो सिस्टम है, या सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ पुलिस काम नहीं कर रही है, उच्च स्तर पर जांच करें। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ दिन पहले पामेड़ में एक प्रेशर ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान शहीद होता है, उस समय स्थानीय विधायक विक्रम मंडा भी पामेड़ दौरा में जाते हैं लेकिन उनको इतना भी उचित नहीं लगता कि एक जवान शहीद हुआ है, जाकर श्रद्धांजलि दें। इसलिए उन्हें अपने आप को गवारा समझते हैं और एक शहीद को उपेक्षा भी करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिंदाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत हम जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से करते हैं। आज का जो प्रेस वार्ता बुलाने के मुख्य उद्देश्य यह था कि आप सभी जानते हैं कल बीजापुर के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, भाजपा के नेता और कुछ भाजपा के नेताओं ने रायपुर में महेंद्राणा जी और के साथ कुछ रायपुर में कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके संबंध में आज का प्रेस वार्ता कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। महेंद्राणा जी ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक हैसियत से मुझ पर और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कि नक्सलियों से इनका संबंध है, उस संबंध में आज हम प्रेस वार्ता आयोजन किए हैं। हम महेंद्राणा जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक कैबिनेट जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, शासन प्रशासन के अंग रहे हैं, अगर कोई भी कांग्रेसी या किसी भी व्यक्ति का नक्सलियों से संबंध है तो उनको पुख्ता सबूत के साथ भी प्रेस मीडिया या फिर पुलिस थाना के बीच में जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR दर्ज के लिए आवेदन देना चाहिए, लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ बचकानी हरकत करते हुए नज़र आए हैं और कहीं से भी कोई भी कांग्रेसी का किसी भी नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है। भोपालपट्टनम के जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं KG सत्यम, जो उनको लेकर वे आरोप लगा रहे हैं कि वे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं और वे नक्सलियों के साथ उनकी मौजूदगी है, नक्सलियों के साथ इलाज के लिए गए थे, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। उस संबंध में हमारा कहना है कि KG सत्यम कांग्रेस का कार्यकर्ता है, था, और वो नक्सलियों के साथ में हनुमाकोंडा पुलिस, तेलंगाना पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अगर वो गलत काम किए हैं तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगा और जहाँ तक हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि उस पर कार्रवाई हुआ है और वो जेल गए हैं। भाजपा अब तो उन्होंने झूठ ये एक झूठ और बोला कि वे पामेड़ में जो जवान शहीद हुए थे उसके बाद मैं पामेड़ में था उस दिन, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उस दिन भोपालपट्टनम क्षेत्र में दौरे पे था,
और जैसे जवान के शहीद होने की खबर मुझे मिली, तत्काल मैंने एसपी से बात किया, अधिकारियों से बात किया, फिर मुझे अधिकारियों ने अवगत कराया कि नहीं, जवान का जो शहीद जवान का शरीर पार्थिव शरीर को डायरेक्ट रायपुर चौपर से ले जाया जा रहा है, तब मैं वहाँ ना जाकर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के बीच में रहकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। और उसमें भी महेंद्र राणा झूठ बोलना कि मैं पामेड़ में मौजूद था, तो इस तरीके से लगातार वे झूठ बोल रहे हैं।